हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले वीवो X70 प्रो के बारे में, माइक स्पीकर और एयर स्पीकर के बारे में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो एयर स्पीकर का कनेक्शन और माइक का कनेक्शन कहाँ कहाँ गया है। ये सबसे पहले हमारे एयर स्पीकर का ले लेते कनेक्शन। ये जैसा ये रहा, ये कंपोनेंट के थ्रू होते हुए कहाँ गया है हमारा पावर आईसी में, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन हमारा ये गया है, दूसरा कनेक्शन गया है माइक का हमारा कनेक्टर में। कनेक्टर बोलो तो ये हमारा कनेक्टर जा रहा है नीचे। कहाँ पे जा रहा है हमारा नीचे कनेक्टर? इस जगह में जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कनेक्टर में से माइक का कनेक्शन गया। माइक का कनेक्शन कहाँ गया है? माइक का कनेक्शन गया है इस जगह पे, ठीक है। ये कनेक्टर की ये लोकेशन पे माइक का कनेक्शन गया हुआ है। तो आगे जानते हैं हमारा अभी रिंगर का कनेक्शन स्पीकर का। ये हमारी ऑडियो आईसी है, ये दो कंपोनेंट है और ये वीसीसी लाइन है। वीसीसी लाइन इधर से आ रही है ये आईसी में से कॉइल के थ्रू होते हुए। तो ये हमारा रिंगर का सेक्शन है। रिंगर का कनेक्शन इधर साइड गया हुआ है, दो पॉइंट है रिंगर के और ये रिंगर की ऑडियो आईसी है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम गया है यूएसबी में इस साइड गया हुआ है। अब जैसा देख पा रहे होंगे रिंगर का सप्लाई यहाँ गया हुआ है येलो एंड ब्लू में। तो ये दो सप्लाई है रिंगर के। तो अभी हम आगे आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। हमारी जो मेन स्क्रीन रही ये वाली ऑडियो आईसी वाली, तो ये तो आपको मैं बता चुका हूँ रिंगर आईसी के कुछ सप्लाई जा रहे हैं सीपीयू में। तो इस तरीके का सब कुछ है इस फ़ोन में। और ये माइक का सप्लाई एक और है, ऊपर में एक माइक लगा हुआ है। नीचे का माइक तो बता दिया मैंने। इसका भी सप्लाई पावर में गया, स्पीकर का सप्लाई पावर में गया। दो माइक के सप्लाई पावर आईसी में गया, एयर स्पीकर का सप्लाई इसमें पावर में गया है। बस आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। और एक मिनट, और एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं। ये वाला एक बार आपने बोर्ड देखे नहीं होंगे तो ज़रा सा देख लीजिए। देखो यहाँ चार्जिंग के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से हमारी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।